नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के बारे में कि आने वाला इनका टाइम कैसा है, लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कुंडली रॉड देना। आज है संडे, 18th है आज। आज है 18th ऑफ मई, सैटरडे, सैटरडे। और ये वीडियो ठीक 4 दिन बाद अपलोड होगी, 22nd ऑफ मई 2024 वेडनेसडे को। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली है कि इनका आज का क्वेश्चन ये है कि 2024 लोकसभा में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं पढ़ देती हूँ, 22 जुलाई 1970, 12 PM नागपुर। हमने इंटरनेट से लिए और ये हमारी अपनी कैलकुलेशन, आप इसको फॉलो करें या ना करें। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका तुला, लिब्रा। हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लगन से होती है, लगन मींस फर्स्ट हाउस। और ये कुंडली भी एक लाइव एग्जांपल है सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस कुंडली से भी आपको सीखने का मिलेगा कि कौन सी दशाएं चल रही होती हैं, कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। दशाएं बहुत मैटर करती हैं, सुमित हर बार बताते हैं, जो स्टूडेंट्स या बच्चे सीख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। लगन है तुला, फर्स्ट हाउस हो गया लगन है तुला, 7 नंबर लिखा हुआ है। लिब्रा तुला वीनस शुक्र को डिनोट करता है। चंद्र लगन है कुंभ, चंद्रमा लिखा हुआ है 11 नंबर। चंद्र लगन है कुंभ, एक्वेरियस शनि, जो कि शनि सैटर्न को डिनोट करता है। सूर्य लगन है कैंसर कर्क, सूर्य लगन है, ये सूर्य लिखा हुआ है 4 नंबर है, तो सूर्य लगन सन साइन है कैंसर कर्क, जो कि मंगल मार्स को डिनोट करता है। वैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को फॉलो करते हैं। सेकेंड साइकिल चल रही है 7.5 की, मार्च 2025 तक। चंद्र ग्रहण है 5th हाउस में और 10th और 11th की दशा रहेगी ड्यूरिंग पोल्स, 10th और 11th की दशा रहेगी ड्यूरिंग पोल्स। और फेसेस है 5th, 6th, 7th। 5th फेज है 20th मई को, और सेकेंड फेज है 25th मई को, और थर्ड फेज है 1st जून को, रिजल्ट है 4th जून को। तो ये कैसा रहेगा हम जल्दी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब जब भी आप वीडियो देखेंगे दोस्तों, 22 तारीख को, 20 तारीख को, तो 5वां फेज हो चुका होगा ये वाला, तो 5वां फेज हो चुका होगा दोस्तों। अब तक हम लोगों ने काफी सारी वीडियो दोस्तों बना ली कि ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों लोगों ने देखा परफॉर्मेंस क्या करा है, इंडिया वर्सेज इंडिया की दोस्तों। दोस्तों अब लोगों ने कहा था कि महाराष्ट्र में क्या रहने वाला है, कि वहाँ पे दोस्तों पेज फंसा हुआ लग रहा है, मतलब वहाँ पे फाइट काफी ज्यादा टाइट लग रही है इंडिया के, तो एक महाराष्ट्र और बिहार दोस्तों। बाकी जगह हम लोगों ने वीडियो शूट करी अपनी बनाई, तो चीजें थोड़ी शॉर्ट आउट लगती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो क्या होने वाले हैं तो कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारी बीजेपी के लिए, तो यहाँ पे मैं एनडीए की बात नहीं करते, बीजेपी की बात करता हूँ। बिकॉज तो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। तो इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो बाकी जो एनडीए के जो साथी हैं दोस्तों, मेन मेन साथी हैं दोस्तों, जितना अजीत दादा पवार है और साथ में शिंदे साहब आ रहे, तो उनके एक बार वीडियो बना के तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया में क्या दोस्तों रहने वाले हैं। और एक दोस्तों उद्धव ठाकरे जी की वीडियो बना लेंगे, तो टाइम बचा नहीं है ज्यादा, 22 तारीख को वीडियो आपके सामने आएगी और 10 से 12 दिन के बाद दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। कोशिश करते हैं उसको बनाने की, बट बीजेपी के परस्पेक्टिव दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्लस देवेंद्र फडणवीस का दोस्तों कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में कितना साबित होने वाला। अच्छा तो इनकी वीडियो ध्यान मैंने बना रखी है, तो ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, अगले फिर अब चुनाव पर दोस्तों फोकस करते हैं, दर्द पर फोकस करते जाएंगे। तो लग्न हो गया इनका तुला, दोस्तों तुला का लॉर्ड शुक्र, उसका इनकम हाउस के अंदर गेंद हाउस में दोस्तों कई वीडियो हम लोगों ने देखा सेल्फ इन गेंद हाउस, दोस्तों आपको बहुत सेल्फ दिलवाता है, बहुत गेंद दिलवाते हैं आपको, और दोस्तों अचानक से गेंद दिलवाते हैं। तो इसी शुक्र पर यहाँ पे देखिए दोस्तों चंद्रमा का भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे करियर का लॉर्ड है, तो करियर यानी कि सत्ता का लॉर्ड, सत्ता शुरू का मिला दोस्तों, अचानक सीएम बन गए। तो चंद्र लगन है इनका शनि का लगन कुंभ, और कुंभ लगन जो होता है दोस्तों बेसिकली दोस्तों कुंभ राशि में दोस्तों आज की डेट में वो सभी 7.5 सेकंड फेज टफ होता है दोस्तों, शायद दोस्तों इसी का रीजन रहा होगा कि शनि के 7.5 के दौरान दोस्तों यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी है और दोस्तों शनि के 7.5 है, सेकंड जो सबसे टफ होती है, इनको सीएम की कुर्सी दोस्तों नहीं मिली, जो कि शिंदे साहब को मिली दोस्तों, डिजर्विंग कैंडिडेट थे उप मुख्यमंत्री बन गए, तो मे भी दोस्तों वो रीजन हो सकता है, शायद किस्मत में पार्टी जो भी दोस्तों स्ट्रैटेजी रही हो वो रही होगी। और दोस्तों कई बार क्या आपकी सत्ता चढ़ी जाती है, तो आपकी सत्ता जो आपको मिलनी चाहिए थी वो सत्ता आपके छिन पर किसी वक्त मिल जाती है। दोस्तों राहुल चंद्रमा कॉम्बिनेशन और साथ में सेकंड 7.5 कॉम्बिनेशन प्लस शनि का नीच का होना सेल्फ हाउस पर जाएगा, दोस्तों इससे एक इम्पैक्ट होगा। तो सूर्य लगन का कर्क, सूर्य देखिए नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, और सूर्य लगन कर्क सूर्य यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग, उसको गेंद का लॉट इन सत्ता हुई, तो गेंद तो सत्ता का जब भी मिलन होगा तो दोस्तों आपको गेंद सत्ता के सोर मिलते रहेंगे, सेल्फ का जब भी गेंद से मिलन होगा तो आपको गेंद मिलते चले जाएंगे।
सत्ता की गेंद आपको देता है वो चले जा रहा है। काफी सारे राज हो गए इनकी कुंडली में, हालांकि 7000 में शनि काफी कुछ नेगेटिविटी भी करता है, वो हम किसी वक्त उसमें वीडियो बात करेंगे। तो फर्स्ट का उसमें जुपिटर का होना, जो कि कुंडली के अंदर वो सिक्स का लॉर्ड है और थर्ड का लॉर्ड है दोस्तों, ये अपने साथ दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारा एक वो लेके चलते हैं, अपने साथ बेनिफिशियल लेके चलते हैं। बिकॉज थर्ड दोस्तों हो गया आपका नेटवर्किंग का, दोस्तों आपके नेटवर्किंग, आपके सोशल सर्कल, आपके फैन फॉलोइंग दोस्तों काफी ज्यादा हो जाती है। तो सिक्स होता है आपके एनिमीज का, तो हालांकि महाराष्ट्र में काफी सारे ऊंचे उठे भी आइए, काफी जो मेन जो लोग पार्टी में उनको छोड़कर काफी ऊंचे उठे दोस्तों। और भी बात दोस्तों गुटबाजी रही होगी, गुरुजम रहा होगा दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि सिक्स का जो होता है गुरुजम का एनिमीज का, आपके राइवल का, आपके कॉम्पिटिटर का, आपको पुल डाउन करने वाले को, आपको जेलसी करने वाले को, उसका चैलेंज के साथ कनेक्ट होना पहले के दोस्तों आपको पुल डाउन करता है, आपको गुरुजम हो जाता है। तो ये सब चीजें है इसकी कुंडली के अंदर। तो बड़ी हैरानी की बात भी है कि इस कुंडली में शनि भी दोस्तों नीच का है, दोस्तों मंगल भी यहाँ पे नीच का है, कर्क लग्न कर्क राशि में, दोनों मेजर प्लैनेट दोस्तों नीच का होना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी करता है, उसमें नीच रंग भी मिला हुआ, बाकी सारी पॉजिटिविटी भी है उसको किसी और वीडियो बात करें। हालांकि उसका चुनाव जब खत्म होंगे 4 जून को, तो उसके एकदम स्टेट में दोस्तों जब नई सरकार का गठन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र जो चुनाव होने दोस्तों अक्टूबर या नवंबर के अंदर होंगे दोस्तों, डेट को नहीं जाएगी, तो उसके दोस्तों तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर चुनाव खत्म हो जाए लोकसभा का, तो लोग महाराष्ट्र का जम करेंगे और वन बाय वन सब देखते हैं, पहले जून की तैयारी करते हैं, तो महाराष्ट्र पोल, हरियाणा पोल, और दोस्तों उसके बाद 3-4 जो स्टेट पोल बने उन पर ध्यान देंगे। बट अभी के लिए दोस्तों ये इनकी कुंडली के राज्यों के तो सूर्य गेंद के नॉट जनता वाले हाउस को देखा दोस्तों, तो जनता में गेंद, जनता दोस्तों पीछे खड़ी है, लोग पसंद करते हैं दोस्तों इनको। दोस्तों मंगल यहाँ पे दोस्तों सेकंड का लॉर्ड है, वेल्थ का लॉर्ड, तो जनता से दोस्तों आपको वेल्थ मिल जाती है, उसको फोर्थ ऑफ प्रॉपर्टी का मंगल दोस्तों वेल्थ का, तो प्रॉपर्टी वाले दोस्तों रहती जाते हैं। और लास्ट में बुध जो कि यहाँ पे भाग्य का लॉर्ड है दोस्तों, आशीर्वाद का लॉर्ड है, तो वो भी जनता वाले घर को देखे, तो जनता और भाग्य का दोस्तों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मानेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की जनता इनके पीछे खड़ी है, चाहे उप मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री दोस्तों कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली, अगर आप चाहें तो हम भी आपकी इसी सेम पैटर्न में कुंडली बना के दे सकते हैं, हम सिर्फ सेलिब्रिटीज और उनकी ही नहीं बनाते, पॉलिटिशियंस की, आम जनता की भी बनाते हैं, पहले भी हमने बनाई है, अभी 4-5 दिन पहले ही हमने अपलोड की थी, अभी एक और हमारी होनी है, तो आप देखिएगा। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें अपनी कुंडली से इसी प्रोसीजर में चाहते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब में डालेंगे, और जो क्वेश्चन आप मना करोगे हम नहीं डालेंगे, और आपका नाम और जगह चेंज करके भी डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कुंडली आपने डिस्कस कर ले तो हम सीधा दशाओं पर आ जाते हैं। इनकी करंट दशा है केतु और मरकरी, केतु में मरकरी, हम सीधा अंतर दशा ले रहे हैं, केतु है इनका 11th में और बुध है 10th में, और यही बुध 9th का भी लॉर्ड है और 12th का भी लॉर्ड है, तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? देखिए अब यहाँ पे देखें, एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं करा, तो 10th और 11th में उसको दशा चलेगी जब इनका वो होगा चुनाव चल रहे, 10th में उसका 10th में हो गया केतु आपका, उसको मरकरी ये आ गया आपका कहीं ना कहीं सत्ता वाले घर में दोस्तों, भाग्य का लॉर्ड बुध वो भी आगे सत्ता वाले घर में, सत्ता को गेंद का सुख मिला, तो सत्ता को आपके भाग्य का भी सुख मिला, तो दोस्तों सत्ता अपने को आपको प्लेटर में नहीं जाते, भाग्य का रोल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों केतु में पावरफुल गर्म ग्रह होता है, बड़ा अच्छा ग्रह देखा जाता है, तो सूर्य इसके राशि में केतु विराजमान दोस्तों आगे सत्ता वाले घर के अंदर पावरफुल प्रेज है, यानी कि दोस्तों केतु का यहाँ पे दशा अच्छी रहने वाली है, और दोस्तों साथ में आगे केतु के साथ मरकरी क्योंकि दोस्तों भाग्य का लॉर्ड है, 10th हाउस में प्लेस है, सूर्य के साथ मित्र प्लैनेट के साथ प्लेस होते हैं, गेंद का लॉर्ड है, यानी कि गेंद और भाग्य का दोस्तों आपस में कनेक्शन हुआ, तो गेंद हो गया आपका सूर्य, उसका भाग्य होगा आपका बुध, जब ये दोनों मिलेंगे तो सत्ता को कहीं ना कहीं दोस्तों बेनिफिट मिलता ही मिलता है, तो ये दोस्तों दशा बहुत ज्यादा पावरफुल दशा रहने वाली है, एक बार आप अंतर दशा पढ़ दो वो पढ़ दो काम मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए,
और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि 2024 लोकसभा में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब दूसरी अंतरदशा ले लेते, प्रत्यंतर दशा ले लेते हैं, या हमने इसी को छोटा किया हुआ है प्रत्यंतर दशा। इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं। केतु में मरकरी, फिर वीनस। केतु फिर से हमारा 11th में है और बुध 10th में है और शुक्र फिर से 11th में है। तो ये दशा कैसी रहेगी 10th और 11th की? 7 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई और 6 जून 2024 को खत्म होगी 11th की दशा, जो कि अब हमेशा बोलते हैं फ्रूटफुल रहता है अगर प्लैनेट सही भी प्लेस्ड हो। और 4th जून को ही रिजल्ट है और 6 जून तक दशा है। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? दशाएं बहुत मैटर करती है, हम हर बार बताते हैं। ये पॉइंट्स भी पढ़ूं क्या? ट्रांजिट्स है ड्यूरिंग 5th, 6th, 7th फेसेस में ट्रांजिट्स रहेंगे हमारे। केतु रहेगा हमारा, ये केतु रहेगा 12th हाउस में, बुध रहेगा 7th और 8th हाउस में, वीनस शुक्र रहेगा 8th हाउस में और सूर्य भी हमारा 8th हाउस में। तो ये सब चेंजेस कैसे रहेंगे इनके लिए? क्या वो जो टाइम है इनके फेवरेबल रहेगा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? केतु मतलब हम लोग डिस्कस कर ले कितने पार्ट में जो कि आपका भी शुक्र जो कि सेल्फ पड़े होता है तो गेन पर हाउस में सूर्य की राशि के अंदर, यानी कि उसे अप्रैल 2024 जब इलेक्शन शुरू हुए उसका पहला फेज स्टार्ट हुआ था, उसे 6 जून 2024 4 जून तक सिर्फ 2 दिन बाद यानी रिजल्ट है। एग्जैक्टली उसे यही दशा में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, ई डी सी में सारे फेजेस हैं उसको आपको तो मालूम महाराष्ट्र में अलग अलग फेजेस में चुनाव हो, चेक पूरे का पूरा 7 फेजेस में ही चुनाव हुआ, वहाँ पे वन बाय वन में दोस्तों मतलब वन शॉट में नहीं हुए। तो दोस्तों अब ये दशा अगर हम लोग देख के चले तो केतु का 12th हाउस का ट्रांजिट देख के चले, मरकुरी 7th जो कि केंद्र होगा दोस्तों, 8th हाउस का ट्रांजिट, उसका वीनस का ट्रांजिट 8th हाउस में अपने ही राशि के अंदर, तो अपनी वृषभ राशि के अंदर उसका बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रांजिट होता है। उसका सूर्य जो कि यहाँ पे 11th का लॉर्ड बनकर 8th हाउस में विपरीत राजयोग देने पर जागृत बैठा हुए, या दूसरा सूर्य हो गया आपका यहाँ पे गेंद का लॉर्ड, उसका शुक्र जो कि ट्रांजिट में इकट्ठे होंगे दोनों दोस्तों, वो हो गया आपका कहीं ना कहीं आपका सेल्फ का लॉर्ड। तो ट्रांजिट्स में भी गेंद मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी गेंद मिलते हुए नजर आ रहे दोस्तों दशा के अंदर। एक बात दोस्तों हम लोग श्योर मान के चल सकते हैं कि बीजेपी को, मैं अंडे की बात नहीं कर रहा दोस्तों, बीजेपी को एज एन इंडिविजुअल पार्टी महाराष्ट्र में कोई दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी अगर बेटर कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर नुकसान होता होगा तो एक आधी सीट का दोस्तों नुकसान होगा, तो बहुत बड़ा दोस्तों नुकसान होता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा। यहाँ दोस्तों एनडीए की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी दोस्तों, हम लोग शिंदे जी की और अजीत पवार की वीडियो बना के देखते हैं उसको साफ समझ में आ जाएगा। बट एज ए होल दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एज एन इंडिविजुअल पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इसमें मोदी जी का दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट चल रहा है दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस का चार्ट दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ पे इन दोनों का जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रदान करते चल रहा है दोस्तों। फिर हम लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह सारे स्टेट्स को कवर करने का, तो महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान होने वाले, और एक और स्टेट ऐसा है दोस्तों जो बीजेपी को अपनी पिछली बार का जो चुनाव का रिजल्ट था 303 का 2019 का उसको क्रॉस करने में दोस्तों मदद करेगा। अच्छी खासी सीट्स आपके आने वाली बीजेपी को, जितनी सीटों पर लड़ेगी दोस्तों उतनी जो पिछली बार थी उसको उतने शायद उसको भी मेंटेन करें, एक दो सीटें ऊपर भी हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, पर नुकसान दोस्तों यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एक आधा सीट हो जाए तो भी हैरानी वाली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर नुकसान दोस्तों होगा नहीं। अगर दोस्तों बहुत पावरफुल दशा, और एक बार हम एनडीए का भी देखते हैं दोस्तों, और ये अगर दोस्तों ये दशा अगर मेंटेन रहती है ट्रांजिट भी आ गया तो महाराष्ट्र में दोस्तों इस बार बहुत बड़ा एक अचंभ होने वाला है बीजेपी की परफॉर्मेंस दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, कह रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। जो आपने पूछा था हमने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अब कोई है वीडियो वीकली है, अब हमारी वीकली कुंडली का टाइम आ गया, तो वीकली कुंडली पे मिलते हैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।